उन्होंने एक विज्ञापन देखा होगा जिसमें कहा जाता है नमक हो टाटा का, और इस विज्ञापन से आकर्षित होकर आप अपने घर में टाटा नमक लाते होंगे। लेकिन अगर ये कहे कि ये टाटा नमक का ही नकली नमक तो नहीं, जी हाँ, ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि टाटा नमक वह भी नकली। दरअसल हमारा मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको बताना है, क्योंकि भारी उत्तरी जिला पुलिस ने शहाबाद डेयरी इलाके में चल रही एक नकली टाटा नमक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री के मालिक महेश उर्टोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार टाटा के प्रतिनिधि संजय कुमार द्वारा पुलिस को शिकायत मिली कि नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री शहाबाद डेयरी इलाके में चल रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच पड़ताल की तो पता चला कि जैन कॉलोनी बरवाला में नकली टाटा नमक की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने टीम गठित कर रेड कर मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में करीब 1300 किलो नकली टाटा नमक समेत 24 कट्टे बरामद किए हैं, और हर कट्टे में 1 किलो के 40 पैकेट और 9 कट्टे नकली टाटा नमक बरामद किए, जो कि एक कट्टा 40 किलो का है। इसके अलावा 915 प्रिंटेड पाउच जिसमें टाटा नमक छपा था, 2 छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 1 सिलाई मशीन, कुल तो 2640 किलो नकली टाटा नमक पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया है कि आरोपी महेश उर्टोनी एक प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में आया था जिसका नाम मास्टर जी है। वह खाना पैकिंग का व्यापार करता था और उसी के कहने पर ही उसने अपना नकली नमक बनाने का धंधा शुरू कर दिया। आरोपी नकली टाटा नमक की थैली को असली बताकर बेचता था। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि 2 रुपए पर किलो के हिसाब से नया बाजार से खरीदता था और यहाँ पर टाटा ब्रांड बनाकर बेचता था, क्योंकि टाटा नमक ज़्यादा बाजार में बिकता था इसलिए टाटा का ही डुप्लीकेट करने लग गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।